population and the Indian economy. Today consumer have a wide choice of goods and services. आपका हम लोग क्या है? Consumer है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं? Market से क्या करते हैं? सामान को क्या करते हैं? खरीदते हैं, ठीक है? And the latest model of the digital camera, mobile phone and television made by the leading manufacturers of the world are within our reach. अब आप देखते हो मार्केट में क्या होता है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, डेली नए नए प्रोडक्ट क्या होते हैं लॉन्च होते हैं, मोबाइल फोन्स हो गए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके नए नए टेक्नोलॉजी के वेपर क्या करते हैं, नए नए लॉन्चेस होते हैं, तो वो हमें यह है मार्केट में देखने को मिलते हैं और हम हमारे तक क्या करते हैं पहुँचाए जाते हैं. Every season new model of automobiles are launched on Indian roads. अब आप देखोगे गाड़ियों की बात करेंगे तो गाड़ियों में आप देखोगे डेली हर उसमें क्या होता है, हर सीजन में क्या होता है, नई नई गाड़ी क्या है मार्केट में रोड पर उतरकर आती है. Gone are the days when launch, when gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian road. भारत की जो रोड है, भारत की जो सड़कें हैं, वहाँ पे पुराने समय में क्या था, एम्बेसडर गाड़ी सबने देखी होगी, व्हाइट कलर की कार होती है बड़ी सी, जो आज भी क्या है आप नेता वगैरह होते हैं उनके पास देखते हो, उनके पास होती है. तो पहले वो वाली गाड़ियाँ जो होती थी हमें रोड पर दिखती थी. टुडे इंडियन सरकार का प्रोड्यूस बाय नियरली द टॉप मोस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. और आज क्या है, आज हम लोग क्या है बड़ी बड़ी कंपनीज जो टॉप मोस्ट कंपनीज है वो जो गाड़ियां बनाती हैं उन्हें क्या करते हैं परचेज करते हैं. अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मेनी अदर गुड्स फ्रॉम शर्ट टू टेलीविजन टू प्रोसेस्ड फूड टू. अब आप देखोगे जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, क्या आप कोई टेलीविजन खरीदने जाएं या आप कोई शर्ट खरीदने जाएं, इवन कोई फ्रूट जूस भी खरीदने जाता है, तो उसमें सभी में हम लोग क्या देखते हैं, कोई ब्रांड ब्रांड का, ठीक है, ब्रांड देखते हैं. ठीक है, ब्रांड क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई भी पर्सन है, जैसे आपका टेलीविजन है, टेलीविजन के साथ क्या करते हैं ब्रांड एम्बेसडर क्या करते हैं जोड़ दिया जाता है, जैसे किसी भी फेमस पर्सनालिटी को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है, तो उस टेलीविजन की जो इम्पोर्टेंस होती है क्या होती है बढ़ जाती है. तो आप देखते हो, आप डेली अपने उसमें भी देखते हो, टेलीविजन वगैरह में देखते हो, तो उसमें या न्यूज़पेपर में आप लोग देखते हो कि कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनके साथ क्या करा जाता है, किसी बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज होते हैं उनको क्या करा जोड़ा जाता है, और उससे क्या होता है उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो घटे बढ़ जाती है. अब जो नेक्स्ट आपका है वो आपका है टॉपिक ग्लोबलाइजेशन होता क्या है. ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री. जैसे आप लोगों ने सुना होगा ट्रेड के बारे में, ट्रेड क्या होता है व्यापार, व्यापार क्या होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, क्या होता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है. तो व्यापार जो होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करा जाता है, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है, जो ज्वाइनिंग होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. More and more goods and services, investment and technology are moving between the country. और आप देखोगे आज हमारे समाज में, आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारी कंट्री में क्या है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होता है हमारे गुड्स जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विस बनाई जाती हैं और वो क्या करते हैं मार्केट में क्या है बिटवीन आर कंट्री, मूविंग बिटवीन आर कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के साथ क्या हमने क्या करते हैं ट्रेड के माध्यम से क्या करते हैं बेचते हैं. अब जो नेक्स्ट आपका आता है कि ग्लोबलाइजेशन इंटरलिंक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री. इंटरलिंकिंग मतलब क्या होता है, आप इन सब के लिए क्या होता है एक होता है मल्टीनेशनल MNCs, MNCs होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का क्या रोल होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट. मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है या कॉर्पोरेशन होते हैं उनका जो लिंक होता है वो सीधा किसके साथ होता है मार्केट के साथ होता है. Where there is a skilled and unskilled labor available at a low cost. अब क्या होता है चाहे whether वो पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो तो भी क्या होता है वो किसी ना किसी कंपनी में अगर वो ज्वाइन करता है तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं उसे वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करते हैं लो कॉस्ट में कम वेजेस में. And where the availability of other factor of production is granted. In addition, multinational company might look for government policy that look after their interests. अब मल्टीनेशनल कंपनी से हम इस चीज पे ध्यान देती है कि कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिस पॉलिसी को क्या करे वो क्या करे चलाए. वंस एंश्योर देमसेल्फ टू दिस कंडीशन
मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस फॉर प्रोडक्शन। अब जब क्या होता है गवर्नमेंट के साथ उसका इंटरलिंक हो जाता है तो वो क्या करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो अपनी खुद की फैक्ट्रीज बनाती खोलती है और वहां पे क्या करती है प्रोडक्शन करती है। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग मशीन अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे आता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होता है जो हम लोग पैसा जैसे कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उस फैक्ट्री को खोलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए लैंड भी चाहिए ठीक है लैंड चाहिए जमीन के ऊपर जो खोलोगे है ना। दूसरा आपको क्या चाहिए बिल्डिंग चाहिए तीसरा आपको क्या चाहिए मशीन ठीक है एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है। अब इन चीजों पे जो भी पैसा हम खर्च करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है इन्वेस्टमेंट ठीक है। हमने मान लीजिए हमें जमीन का टुकड़ा खरीदा है तो जमीन के टुकड़े के लिए खरीदने के लिए पहले हम क्या करेंगे जिस भी पर्सन का जमीन का टुकड़ा खरीदे हम उसको क्या करेंगे पैसा देंगे और वो हमें क्या करेगा जमीन का टुकड़ा देगा। अगर आपको वहां पे बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मशीन सेटअप करनी है वहां पे फैक्ट्री में तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब हम मार्केट में जब इन चीजों पे जब हम पैसा मनी स्पेंड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अब मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट करा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं एक वर्ड जुड़ जाता है उसके आगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये तो आपका क्या हो गया जनरल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हो गई कि हमने किसी चीज को परचेज करने के लिए हमने क्या करा उस पर पैसा खर्च कर दिया पैसा देकर हमने क्या करा उस चीज को खरीद लिया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो क्या करती है अपना पैसा जो होता है हम लोग क्या करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने कि फॉरेन कंट्रीज की कोई कंपनी है उसमें हमने क्या करा अपना पैसा डाला पैसा दिया और क्या करा वो पैसा क्या हुआ उस कंपनी ने लिया और वो हमारा क्या होगा हमारा पैसा जो होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है लिबरलाइजेशन रिफर्स टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। अब ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं कोई बता सकते हैं ट्रेड बैरियर होता है जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है ना आपने वो प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीदा और कंपनी ने जब वो प्रोडक्ट आपको दिया तो उसके बीच में गवर्नमेंट ने क्या करा उस पे टैक्सेस लगा दिया व्यापार के लिए टैक्सेस लगाना। जैसे आपने यहाँ से कोई सामान आपने बाहर भेज रहे हैं तो उस पे क्या होगा पहले से ही टैक्स इंक्लूड होगा है ना। तो वही तो लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जिसमें से जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं जो मतलब व्यापार के टाइम पे जो हम सामान यहाँ से भेजते हैं तो उन जो भी टैक्सेस हैं जो भी रिस्ट्रिक्शन है उनको क्या कर दिया जाए हटा दिया जाए। तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में क्या अंतर है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है मैंने क्या बताया था ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करके इंटरकनेक्टेड होती है। और लिबरलाइजेशन क्या होता है लिबरलाइजेशन होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ट्रेड बैरियर जो रुकावट बैरियर्स क्या होता है रुकावट जो गवर्नमेंट के द्वारा रुकावट कैसे करी जाती है कि हम लोगों ने यहाँ से कोई सामान ना भेजना है तो गवर्नमेंट क्या करती है उसमें टैक्स लगा देती है ना। तो उन टैक्सेस को हटाना ही वो क्या करता है वही प्रोसेस जो हमारा क्या कहलाता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन वही होता है कि जिसमें हम लोग क्या करें गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसे रिमूव कर दें।